नीमच की बेटी को वापस लाने के लिए एक बार फिर से जिले में हुआ है प्रदर्शन। नीमच जिले में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर नीमच जिला पूरी तरह से बंद रहा, जहां पर सभी व्यापारिक संस्थाएं आज लगातार बंद होती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में व्यापारी ने उनका खूब समर्थन किया। जिले में कानून व्यवस्था फेल होती हुई नजर आ रही है, ऐसे में लगातार लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने इस बात का समर्थन किया है और लोगों ने कहा है कि जल्द से जल्द जो नीमच की बेटी लापता हुई है उसे वापस लाए। टीआई और एसआई के ऊपर कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि लगातार देखने को मिल रहा है कि वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिसके ऊपर उन्होंने मांग की है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, लेकिन फिर भी प्रशासन चुपचाप हाथ धरे बैठा हुआ है। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से उनको चेताने के लिए अब ग्रामीण लामबंद हो गए हैं और अपना प्रदर्शन कर अपनी मांगे रखते हुए साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन क्या उनकी बातों को संज्ञान लेता है या नहीं। फिलहाल पूरी तरह से अब बंद हो चुका है प्रशासन। किस तरह का बंद का समर्थन मिल रहा है आपको? देखिए, कल हमने सर्व समाज के साथ बैठक करी थी और बैठक के बाद ऐसी स्थिति है कि सभी समाजों का, व्यापारी बंधुओं का, होटल व्यवसायियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है और अभी 9:30 बजे तक ऐसी स्थिति है कि कहीं पर भी कोई हमको जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी। सब लोगों ने अपने भाव से समर्थन के साथ बंद में पूर्ण सहयोग किया है। परिचय अनुपाल सिंह झाला, विभाग मंत्री विश्वेंद्र। वहीं पूरे मामले को लेकर पिता का कहना है कि व्यापारी पूरा सहयोग कर रहे हैं, व्यापारी चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द न्याय मिले, लेकिन प्रशासन अभी उनकी बात को इग्नोर करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अनाउंसमेंट के माध्यम से अब लोग अपनी बातें रखते हुए नजर आ रहे हैं। बाइक रैली के माध्यम से लोग प्रशासन को चेता रहे हैं कि नीमच की बेटी वापस आनी चाहिए, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल टीआई और एसआई को निलंबित करने की मांग भी लोग करते हुए देखे जा रहे हैं। उन्होंने एसपी को आवेदन दिया है और जल्द से जल्द कार्यवाही की मांग भी।